मुंबई में घर बनाने का सपना लोगों को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल बिल्डरों के आपसी झगड़े की वजह से ना तो मकान बन पा रहे हैं और ना ही बिल्डर लोगों का पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। अब फ्लैट बुक कराने वाले लोग बिल्डर के खिलाफ गांधीगिरी कर रहे हैं। गांधीगिरी करेंगे और अपना घर लेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अपना घर लेंगे, बिल्डरों को फूल देकर समझाएंगे, अपना घर लेंगे। जी हाँ, गांधीगिरी के रास्ते पर चलने वाले और बिल्डर के घर के सामने नारे लगा रहे इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने मुंबई में अपना घर बनाने का सपना देखा था। साल 2004 में इन सभी लोगों ने मुंबई के घाटकोपर इलाके के विद्या विहार में बनने वाले प्रोजेक्ट नीलकंठ किंगडम में घर खरीदने का फैसला किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट बिल्डरों के आपसी झगड़े की वजह से पूरा नहीं हो सका। इसलिए ये लोग अब गांधीगिरी के जरिए बिल्डरों को समझाना चाहते हैं। आज हम गांधीगिरी से स्टार्ट किया है, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी ये गांधीगिरी सुन के काम चालू करिए। नेक्स्ट स्टेप अगर नहीं होगा तो हम उनके घर पे आंदोलन करेंगे। थर्ड, हम आमरण उपवास पे उतरेंगे जब तक ये लोग डिसीजन नहीं देवे। साल 2007 में बिल्डरों ने इन लोगों को घर देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन का 50% से भी ज्यादा काम बाकी है। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी घर के लिए लगा ली है, और कुछ ऐसे भी हैं जो खुद का घर बेचकर किराए के मकान में रह रहे हैं। 400 लोग अपने घर के लिए लाखों रुपए बिल्डर को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ना घर मिला ना पोजीशन। वो पैसा जो फ्लैट बेचा था उसका पैसा बिल्डर को दे चुके हैं। करीबन 30 लाख का पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, 2004 से हुआ है। माई फादर इज 65+, 3 stairs, नो लिफ्ट इन द हाउस, दिन में 3 या 4 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। हम गैमन से यही सवाल करना चाहते हैं कि इस डिफ़िकल्टी से हमको कब बाहर निकालेंगे, फ्लैट का पोजेशन कब मिलेगा, दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन वी नीड टू आस्क गैमन। बिल्डरों के आपसी झगड़े में पिस रहे इन लोगों को उम्मीद है कि उनकी गांधीगिरी का असर जल्द ही पड़ेगा, और अगर बात फूल से नहीं बनती है तो ये लोग भूख हड़ताल पर जाने की भी सोच रहे हैं। मुंबई से दिव्या खरे के साथ स्टैंड रिपोर्ट।